नमस्कार बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का सोल्यूशन दे देते हैं। और एक्चुअली क्या है कि हमारा जो वीडियो सोल्यूशन है वो स्लो हो जा रहा है। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर, वीडियो सोल्यूशन टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। और मैं भी ये बात समझ रहा था कि लेट तो मैं कर ही रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों को मैं भी यहाँ पे लिख के ही बताता हूँ, तो मैं आपको PDF फॉर्म में लिख के भेज दूँगा सारे सोल्यूशन हर चैप्टर के जो भी मैं आपको भेजूँगा। जैसे आज भी मैं जो असाइनमेंट भेजूँगा उसका भी मैं PDF फॉर्म में वत्स विद्यार्थी में डाल दूँगा। तो वत्स विद्यार्थी चैनल आप लोग अगर देख ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सॉल्यूशन को, ठीक है। आज अब वीडियो एक तो बना ही दे, क्योंकि भाई कम से कम इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी चाहिए थी कि सर कहाँ डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं वीडियो एक केमिकल बॉन्डिंग वाला बना दूँ। केमिकल बॉन्डिंग वाला सोल्यूशन बड़ा आसान है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ऐसा है कि मेरे तो उंगलियों पर रहता है और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाता है। इनऑर्गेनिक का पोर्शन ऐसा ही है, ठीक है। देखिए, द हाइड्रेशन ऑफ एनी कंपाउंड इन्वॉल्व, एनी कंपाउंड का हाइड्रेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है। वीकनिंग ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ, कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन इन टू आयन्स, आयन्स में डिसोसिएट होगा, जैसे NaCl, Na+, Cl- में डिसोसिएट होगा। इसका मतलब कि सभी होगा ये, तो आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच हैज़ द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी के लिए आपको क्या देखा जाता है, चार्ज एंड साइज, जिसमें चार्ज मैंने बोला था कि डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो जैसे आपके पास LiF है, LiCl है, NaCl है एंड MgO है, तो इसमें सब में चार्ज कैटायन एनायन के चार्ज को आपस में मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर 1:1 है और यहाँ पर 2:2 है, क्योंकि Mg पे 2+ है और O पे 2- है, तो 2:2 है, तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा चार्ज का प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो लैटिस एनर्जी इसी की सबसे ज़्यादा होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी कब बढ़ेगा। द आयन आर ऑफ लार्ज साइज, आयन तो छोटा साइज का होना चाहिए। द आयन्स ऑफ स्मॉल साइज, हाँ, सेकेंड आंसर इसका सही है, आगे भी देख लेते हैं। द आयन्स आर इक्वल साइज, ऐसा नहीं है। द चार्ज ऑन आयन आर स्मॉल, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि बी वाला आंसर इसका सही है। द करेक्ट सॉलिबिलिटी ऑर्डर, तो सॉलिबिलिटी ऑर्डर जो है वो आपको चार ऑर्डर इसमें दिया हुआ है और चारों ऑर्डर में आपको ये बताना है कि कौन सा सही ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर CaCO3, SrCO3, BaCO3, ये सही ऑर्डर है। Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 में K2CO3 का सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, फिर Na2CO3, फिर Li2CO3, ये भी सही ऑर्डर है। अगर ये सही ऑर्डर है सेकेंड वाला, तो इसका मतलब है कि चौथा वाला गलत है और तीसरा वाला सही है, तो एक ही कॉन्सेप्ट से सब हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डी आंसर होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल में कोवेलेंट करेक्टर के लिए कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, फजांस रूल है ये, और इसका सी आंसर होगा। अमंग LiCl, BCl2, BCl3 एंड CCl4 द कोवेलेंट करेक्टर, सबसे ज़्यादा CCl4 का होगा, क्योंकि उस पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबल आयन, पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो एनायन के साइज जितना ज़्यादा होता है पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे I- Br- Cl- F- ऑप्शन ढूंढना है हमको, और वो कौन है, डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग ओवरलैप इन
इज इनकरेक्ट एज्यूमिंग जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। जेड एक्सिस क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। और आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः जो है पॉइंट दिए हुए हैं, और ये 6 पॉइंट में आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए 2PY पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, करेक्ट इनकरेक्ट बताना। 2PY पाई बॉन्ड बनाएगा, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बनाएगा। 2PX सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जेड एक्सिस न्यूक्लियर, तो 2PZ बनाएगा, 2PX सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब सेकंड गलत है। 3DXY पाई बॉन्ड बनाएगा, 3DXY पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? 3DXY ऐसे करेंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स या वाई होगा। अगर ऐसे हो गया तो ये दोनों ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे तो डेल बॉन्ड बनाएंगे, और ऐसे आएंगे तो एक्स या वाई एक्सिस पे आएंगे, तो नहीं। तीसरा वाला भी गलत है। 2S एंड S तो पाई बॉन्ड बनाते नहीं। चौथा गलत है। 3DXY डेल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बोला आपको कि डेल बॉन्ड बनाएगा। 2PZ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसमें 2, 3, 4 क्या है, 2, 3, 4 पॉइंट जो है वो गलत है, और 2, 3, 4 गलत कहाँ पर है? डी में। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाई 2S 2S 2P 2P एंड 2S 2P ओवरलैप हैज़ द ऑर्डर। तो देखिए, ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा PP की होती है, फिर SP की होती है, फिर SS की होती है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो होगा वो 2P 2P का होगा, फिर 2S 2P का होगा, फिर 2S 2S का होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन एटम। चलिए पढ़ते हैं, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ द ऑर्डर 264 किलो जूल पर मोल एंड, नहीं यार, सिग्मा का ज़्यादा होता है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फ्री रोटेशन ऑफ सराउंडिंग एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड। अच्छा, बाई नॉट इन केस नहीं, बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, ये ऑप्शन भी सही है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैज़ नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड, बिल्कुल सही बात है। पाई बॉन्ड की ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता, तो इसका बी आंसर होगा, बी जो कि इनकरेक्ट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई एज वेल एज डेल बॉन्ड। डीजेड स्क्वायर नहीं बनाता, मैंने तो ये पॉइंट में लिखवाया कि डीजेड स्क्वायर पाई बॉन्ड नहीं बनाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप गिव सिग्मा बॉन्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्स एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो PZ तो पाई बना देगा, SPZ भी पाई, SPZ तो सिग्मा बनाएगा पर जेड एक्सिस पे बनाएगा, SPY सिग्मा बनाएगा पर वाई एक्सिस पे बनाएगा, तो बचा केवल कौन, dx² y² यही है, xy पर ऐसे भाई, ये वाई है, ये एक्स है, और ऐसे ही एक और आएगा, इससे जो है ओवरलैप कर जाएगा, तो ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? तो PX PY साइडवेज ओवरलैपिंग कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, PX PY साइडवेज ओवरलैपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, PX plus PY साइडवेज ओवरलैपिंग ये नहीं बनाएगा, dx² y² एंड py साइडवेज ओवरलैपिंग ये भी नहीं बनाएगा, dxy साइडवेज ओवरलैपिंग
ये बना देगा, डी वाई जेड एंड पी जेड साइडवेज ओवरलैपिंग। हाँ तो ठीक है, इसमें आंसर बच्चों सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप गिव सिग्मा बॉन्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, ये गलती से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। टू हैबिट ऑर्बिटल हैव अ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो यार एस पी टू हैबिटाइज होगा ना, तो 33% आएगा, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डी ऑर्बिटल हैव एक्स जेड एंड वाई जेड टू नोडल प्लेन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। डी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डी ऑर्बिटल हैविंग एक्स जेड एंड वाई जेड टू नोडल प्लेन। अब एक्स जेड एंड वाई जेड टू नोडल प्लेन कब हो सकता है? एक्स जेड एंड वाई जेड दो नोडल प्लेन कब हो सकता है? टू नोडल प्लेन जब डी एक्स वाई, जब डी एक्स वाई क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो, और डी एक्स वाई हाइब्रिडाइजेशन में कब इन्वॉल्व होगा? एस पी थ्री डी में डी जेड स्क्वायर होता है, एस पी थ्री डी टू में डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, एस पी थ्री डी थ्री में डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होता है। तो डी एक्स वाई एस पी थ्री डी टू मैंने डी थ्री में आएगा। अब इसमें एस पी थ्री डी थ्री देखो कौन सा है, आई एफ सेवन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस करेक्टर इन परसेंटेज, एस करेक्टर मतलब एस करेक्टर बढ़ना हो किस में ज़्यादा है, इन द हैबिट ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में है ये देखना है। तो देखिए एस पी में एस करेक्टर होता है 50%, एस पी टू में 33%, एस पी थ्री में 25%, और एस पी थ्री डी और एस पी थ्री डी टू इसमें एस करेक्टर और घटता है। तो सबसे पहले हमको ढूंढना है एस पी, तो एस पी हाइब्रिडाइज्ड है पांचवा बी बी सी एल टू, ठीक है। फिर एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है फर्स्ट सी ओ थ्री टू माइनस, फिर एन सी एल थ्री एस पी थ्री है, फिर आई थ्री माइनस एस पी थ्री डी है, फिर एक्स सी एफ फोर एस पी थ्री डी टू है। तो यही ऑर्डर है, ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, द मॉलिक्यूल हैविंग द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो ड्रैगोज रूल लगा दो, इसमें एच टू होगा सबसे ज़्यादा होगा। द कंपाउंड ऑफ एम एक्स फोर इज टेट्राहेड्रल, द नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल एक्स एम एक्स एंगल इन द कंपाउंड इज, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होगा? आपको लगेगा चार होगा, लेकिन एक्चुअली में चार नहीं होता, इसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। देखिए ए बी सी डी, तो देखो ए एम डी ए एम सी ए एम बी, ठीक है। अब बी एम सी बी एम डी, अब सी एम डी, ये छह कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, और छह कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसका जो आंसर होगा वो दिया है छह कि नहीं? हाँ दिया है, चौथा ऑप्शन छह दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, द ओ एन ओ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन, एन ओ टू प्लस में होगा, 180 डिग्री होता है। इन विच मॉलिक्यूल डज द क्लोरीन एटम हैज़ पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो क्लोरीन में तभी आएगा जब क्लोरीन फ्लोरीन के साथ हो या ऑक्सीजन के साथ हो, क्योंकि यही दोनों हैं जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई, या तो मजनू भाई के साथ हो या तो फिर उदय भाई के साथ हो। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव द परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब डायपोल मोमेंट होता है। आपको ये ढूंढ लेना है किसका किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है।
पहले वाले में CO2 का जीरो है, दूसरे वाले में दोनों का डाइपोल मोमेंट है, तीसरे वाले में दोनों का जीरो है, और चौथे वाले में SiF4 का जीरो है। तो इसका मतलब बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 d, इफ HCl बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.26 एंगस्ट्रम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हमें परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने के लिए ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन 4.8 × बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रम लिखा जाता है। तो परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1.03 अपॉन 4.8 × कितना है, इंटू है, वैसे तो इसका 17% आंसर आता है, मुझे याद है इस क्वेश्चन का, 1.26 × क्या होगा 100, ये 17% आ जाएगा। इसका आंसर मुझे याद है क्योंकि मैं क्वेश्चन ये क्लास में कराता हूँ, तो इसलिए मुझे इसका आंसर याद है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के अरेंजमेंट में अब देखिए CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। तो CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है वो इसका होता है, होना इसका चाहिए, पर होता है इसका क्यों है, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है। जब इसका साइज बड़ा होता है तो H और H के बीच में ये जो थीटा है, ये θ2, तो θ2 ज़्यादा हो जाता है θ1 से, और आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, थीटा के। तो ये कारण हो जाता है यहाँ पर, मतलब दो कारण है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी बहुत तो है इसकी, और दूसरा साइज का इफेक्ट ज़्यादा कर देता है। साइज का इफेक्ट ये भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर जाके साइज का इफेक्ट बढ़ते हैं, जैसे ताड़ का पेड़ अगर ऊपर जाके बहुत बढ़ जाए तो नीचे से जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आम का पेड़ अगर बहुत बढ़ जाए तो आपको झुक के जाना पड़ेगा उसके नीचे से। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पर आती है। क्वेश्चन नंबर 25, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीसीज, मतलब इस 24 का आंसर जो होगा वो ए होगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीसीज आर सच दैट, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या करें कि 14 ले लें, मतलब आप ले लें ऐसे 8, 9, 10, 11, 12, अब मैंने बोला था इसका 3 होता है, ये डायपोल मोमेंट का मैंने शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, तो ये 14 का डायपोल मोमेंट 3 होता है, बाकी सबका डायपोल मोमेंट ऊपर जाने पे 0.5 घटता है, नीचे जाने पे भी 0.5 घटता है। अब अपने पास है O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इस तरह की चीज़ें हैं, तो देखा जाए कि डायपोल मोमेंट O2 प्लस 2.5, O2 2, O2 माइनस 1.5, और क्या दे हुआ, O2 2 माइनस 1.0। इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं भाई, देखो O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 16 था, एक प्लस हो गया तो क्या हो गया, मतलब कम हो गया, तो कितना हो गया 15, 15 का कितना 2.5, O2 16 है 2, O2 माइनस 17 है 1.0, O2 2 माइनस 18 है 1। तो ये डाबो, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। अब हमको क्या है, बॉन्ड ऑर्डर में इसको अरेंज करना है शायद, हाँ, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तो हमारा जो आंसर होगा इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के लिए आपको क्या करना है कि दो चीज़ें देखनी है, पहले तो 16 एंड 10 इवन में पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी सभी इवन डायामैग्नेटिक होते हैं, और सभी ऑड क्या है, पैरामैग्नेटिक है।
तो ओ टू माइनस पहला ही ऑप्शन है, ओ टू माइनस ये 17 है, 17 है, ऑड है, ऑड है तो पैरा मैग्नेटिक होगा। सी एन माइनस 14 है, सी ओ 14 है, एन ओ प्लस 14 है, ये तीनों ही डाया मैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के लिए चलिए देख लेते हैं, ओ टू के ऊपर 2 प्लस है तो कितना आ रहा है 14, ओ टू के ऊपर 2 माइनस है तो कितना आ रहा है 1, एफ टू के ऊपर 2 माइनस है तो क्या आ रहा है 0, फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है। एच टू के ऊपर माइनस 1 है तो इसका तो हमने लिखा ही नहीं है, तो ये निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2 दैट इज 0.5। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर फोर्थ वाले का आएगा, s2 माइनस का। हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। आयोडीन मॉलिक्यूल हेल्ड इन द सॉलिड, ये तो वो होता है डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे ज़्यादा एच एफ में होगा, फिर एच ओ में होगा, फिर एच एन में होगा, वो तो सिंपल सी बात है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट आइस, इट हैज़ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, सही बात है। इट हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर, फ्लोट करता है पानी पे, सही बात है। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाई 4 हाइड्रोजन एटम, हाँ तो 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, बिल्कुल सही बात है। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ईच ऑक्सीजन एटम नहीं, एक ऑक्सीजन एटम के केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आगे देखें, हाँ तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 तक। बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि जो लोग वत्स विद्यार्थी की क्लासेस में जुड़ रहे हैं, अगर कोई जेई का बच्चा जुड़ रहा है और वो उसका एग्ज़ाम जनवरी में है तो वो ना जुड़े, क्योंकि हम कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाएंगे जनवरी तक। मतलब हम क्या, मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता दूँ आपको कि मैं कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाऊँगा जनवरी तक। तो अगर आप कोई भी बच्चा मुझे अप्रोच कर रहा है जनवरी के लिए तो मैं उसको मना कर रहा हूँ, तो मैं सीधे मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बोल देता हूँ कि आप जनवरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच मत करिए, और अगर आप नीट 2020 देना चाहते हैं तो भी आप अप्रोच मत करिए, क्योंकि नीट 2020, देखिए मैं झूठ बोल के कुछ नहीं करा सकता। अगर मैं आपका एडमिशन ले भी लूँ कि हाँ भैया मैं जनवरी तक करा दूंगा, मैं ऐसे क्लास करा दूंगा, मैं वैसे क्लास करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, मेरा मन जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और जब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या है कि आप, हाँ बेशक मेरी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, आप लोगों को ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जो बच्चा पे कर रहा है, जो बच्चा पे कर रहा है उसको झूठ बोल के तो नहीं लेना है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 130 करोड़ की जनता में से सबको फीस ज़्यादा लग रही है, फीस सबको तो ज़्यादा लग नहीं रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि कई बच्चे पे कर ही रहे हैं। तो जो भी बच्चा जनवरी में एग्ज़ाम देना चाहता है जेई का, वो बच्चा एक बार मेरे से पूछ ले तभी पे करे। और क्योंकि मैंने ऐसा एक बच्चा जो पे कर दिया और उसको मैंने रिफ़ंड किया, क्योंकि उसने पे किया और उसके बाद मुझसे व्हाट्सएप पे बात करी और मैंने उसको तुरंत रिफ़ंड किया कि नहीं बेटा आपको हम नहीं पढ़ा सकते। तो उसने बोला कि सर जनवरी तक, दिसंबर लास्ट तक कोर्स नहीं ख़त्म होगा। मैंने कहा नहीं, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ ना भाई, कोर्स ख़त्म होगा फरवरी के लास्ट तक, मार्च के स्टार्टिंग, मार्च 15 मार्च तक के आसपास जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जुलाई में कोर्स स्टार्ट हुआ है। और मैंने ये बोला है कि आपको, अगर जो 12th का बच्चा है उसको ये भी बोला है कि पूरा 11th पूरा 12th डिटेल में पढ़ाएंगे, तो जब बेटा डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि टाइम पेशेंस तो आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि फास्ट करके पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप जेई का अप्रैल मई वाला जो सेकंड फेज वाला एग्ज़ाम होता है, नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम होता है, उसका टारगेट बनाते हैं तो एडमिशन लीजिए, और आप 2021 का टारगेट बनाते हैं तो एडमिशन लीजिए, या फिर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो भाई बड़ा मज़ेदार है, तब तो आप बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 11th से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं जो भी होगा हमारा असाइनमेंट उसको मैं PDF में डाल दूंगा, हैंड रिटन लिख के, और उसको फोटो खींच के PDF में बना के, और मैं उसको डाल दूंगा। नमस्कार बच्चों।